बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, तमाम बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। देखें जी, आज बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो स्नैक्स बनाने लगे हैं। ये सैंडविच भी आप इसको कह सकते हैं, ब्रेड पोटैटो सैंडविच। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो ले देखें जी, ये बॉयल किए हैं आलू। आलू बॉयल करके छील के तो इसको हमने ये अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें प्याज जाएगा, धनिया, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। साथ हमने एक अंडे को फेंट लिया है। ये देखें जी, थोड़े से ब्रेड हैं उसकी साइड्स मैंने उतार ली हैं उसको ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जी अंडे को। अंडे को फेंट के अच्छे तरीके से फेंट, नहीं कुछ नहीं डालना, बस खाली फेंट के हम इसमें डालेंगे। साथ ही इसमें जो मैंने चॉप की हुई है प्याज है वो डाल देंगे। थोड़ी सी शिमला मिर्च इसमें डालेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारे सैंडविच तैयार होंगे। आपको इसको टी टाइम में और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसमें जाएगा नमक, नमक आप टेस्ट के मुताबिक डालें। नमक मैंने छोटा चाय वाला चम्मच वो भी हाफ डाला है, फिर बाद में टेस्ट कर लेंगे। नमक और काली मिर्ची का इस्तेमाल होगा। देखें जी, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला और हाफ़ टी स्पून ही मैंने काली मिर्ची का पाउडर डाला। इनको डाल के तो अभी मिक्स करते हैं, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके जी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचें। और वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच किया करें, आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, दुआओं में याद रखा करें। ये देखें, ये बैटर हम लोगों का रेडी हो गया। बहुत सिंपल इजी सी हैं, आप इसको झटपट बना सकते हैं। कभी भी कोई मेहमान आ जाए तो फ़ौरन से आप इसको बना के तो चाय के साथ ये आप सर्व कर सकते हैं। ये ब्रेडों की साइड्स जो हैं वो काट ली हैं, इनको काट के तो ये ऐसे लेके आप ऊपर से स्प्रेड करें। सिर्फ एक साइड पे हम लगाएंगे और पैन मैंने ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। ये सब लगा के तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, ये ब्रेडों पे सारे लगा दिए। अभी इसको पकड़ के तो मैं पैन में रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखें जी, ये पैन में ऑयल गर्म हो गया है। ये आप ऐसे एक ब्रेड का पीस लेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आराम से इसको उल्टी साइड पे आप रखें, ऐसे ही दूसरा रखते हैं। देखें जी, ये दो दो पीस करके ना हम आहिस्ता बिल्कुल हल्की आँच पर ना हल्का सा ऑयल बस डालें और उस पर ऐसे पहले एक साइड पकाएँ फिर दूसरी। ये ब्रेड को ये वाला हिस्सा भी इसको हम ब्राउन करेंगे जी। इसकी ये दूसरी साइड हमने चेंज कर दी है, वो भी ज़रा क्रिस्पी सी हो जाए। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से देखें ये क्रिस्पी हो गई है। चलें जी आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़ेदार हमारे ये जो स्नैक्स तैयार हो गए हैं। आप इसको ऐसे ट्राइंगल शेप में भी बना सकते हैं और इसको बना के काट लें, या वैसे ये मैंने पीसीज में भी रखा हुआ है, ये ऐसे भी खा सकते हैं। बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, फैमिली को खिलाएं, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द और अच्छी वीडियोस लेके आएंगे और ये वीडियोस आप इफ्तार में भी ये आप रेसिपीज़ बना सकते हैं। इफ्तारी के टाइम बच्चों को अगर नहीं खाना खाते तो आप ये बना के दे सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी और मज़ीद आसान सी वीडियोज़ लेके आएँगे। अल्लाह हाफिज़।